ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਵਿੱਚ ਖੌਫਨਾਕ ਇਜ਼ਾਫਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ 9 ਸਾਲਾ ਬਾਲੀ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਹਵਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਈ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਨਾਲ ਬਦ ਫੇਰੀ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਲੋਧਰਾਂ ਦੀ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਕਾਤਲ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਲਾਸ਼ ਜੋਹਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਧੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਇਬਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ मेरे बच्ची को बहकावे में लेके मेरी बच्ची के साथ उसने इतना बदतर सलूक किया है और अब मेरी यही गुजारिश है शहबाज शरीफ से और नवाज शरीफ सब वजीर आला से कि उसको सख्त सख्त सजा दी जाए और उसको फांसी दे जाए। सक्कर दे इलाके गडानी फाटक के मुखालफीन दी घर च बढ़ते फायरिंग जाल पे समय त्रै बंदियों को कतल कर दिया लाशा पोस्टमार्टम सांगे सिविल हस्पताल मुंतकिल मुलजमान फरार गिरफ्तारी सांगे कोशिशां शुरू। मीडिया टॉक के इल्जाम वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को 5 अरब रुपए हर जाने का नोटिस भिजवा दिता 14 दिन इल्जाम माफी मंगने का मुतालबा फवाद चौधरी वजीर रेलवे पैरागॉन सिटी का मालिक होने के करप्शन के इल्जाम लाते हैं। शरीफ खानदान एहतसाब के अमल को सियासी इशू बनाने की कोशिश करने का पे शहबाज शरीफ करप्ट ब्यूरोक्रेट के गिरोह का सरगुना है महमूद रशीद तहरीक इंसाफ का आहत चीमा को मुअत्तल करने के सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट को खत एहतजाजी अफसरान को इलेक्शन तैनात न करने के इलेक्शन कमीशन को भी रजू करने का ऐलान।